हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस माइनस मैथ। और आज का क्वेश्चन है, फाइंड के सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है और दो इक्वेशंस दे रखी है हमें और बोला है कि हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन से ये देख लेते हैं कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है। तो a1 है 3, a2 है 6, b1 है -1, b2 है -2, c1 है -5 और c2 है k। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो जाएगा 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -2 इज नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन k। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं पहले ही। तो हम इन दो इक्वेशन को इक्वेट करके k की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन k। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k इज नॉट इक्वल्स टू -10 आएगा। और अगर हम इन दो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो भी k इज नॉट इक्वल्स टू -10 आएगा। तो मतलब जब k की वैल्यू -10 नहीं होगी तब नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विल हैव नो सॉल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल्स टू -10। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।